पिछले क्लास में हमने क्या करा था, पिछले क्लास में हमने बात करी थी कंजुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, ठीक है, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा हुआ, 8 क्वेश्चंस लिए हुए, ठीक है। तो हमने क्या करना, वन बाय वन करके इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है कंजुगेट से रिलेटेड, जो भी आपका जो भी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास इफ यहां पे गिवन क्वेश्चन है कि इफ m प्लस आई एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स, ये दिया हुआ आपके पास, एंड यू हैव टू प्रूफ दैट इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना, ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना। तो आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आपने करना कुछ नहीं है, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको इक्वेशन ऑफ 1 कंसीडर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने इसका कंजुगेट कर लेना, ठीक है, दोनों तरफ आपने कंजुगेट लेना, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों तरफ, यानी ऑन कंजुगेटिंग बोथ साइड, ठीक है, आपने क्या करना है, ऑन कंजुगेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या कर देना है, कंजुगेट ले लेना है, ठीक है। जब आप कंजुगेट लोगे तो कंजुगेट का रूल आपको पता है, ठीक है, कंजुगेट का रूल आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। ये आपका जो, ये जो प्लस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, आपका ये हो गया m माइनस आई एन इज इक्वल टू, ये माइनस था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, यानी 1 प्लस आई एक्स हो गया, ठीक है। ये आपका प्लस था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस आई एक्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल था, हमने क्या करा, कंजुगेट ले लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, कंजुगेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेना है, ठीक है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब क्या करना, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास क्या है, सपोज a प्लस आई बी है, और यहां पे हमारे पास क्या है, a माइनस आई बी, इसको आप ऐसे भी समझो, यहां पे हमारे पास a प्लस बी है और यहां पे हमारे पास a माइनस बी है, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हम लोग, आप लोग जानते हो फॉर्मूला ये, ठीक है। वही यहां पे देखो, a माइनस बी और यहां पे मान लो उसको a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ऑब्वियस है यहां पे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आई एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे a प्लस बी और यहां पे a माइनस बी, ऑब्वियस है वही कॉन्सेप्ट, a स्क्वायर और माइनस ये हो गया हमारे पास आई एक्स का, हो गया हमारे पास क्या हो गया, होल स्क्वायर, एक सिंपल सी लॉजिक हो गई, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ये तो एम स्क्वायर हो गया, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे आई स्क्वायर भी है एन स्क्वायर भी है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, यानी यहाँ पे हमको मिल गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, देन वी गेट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, यानी हमको ये रिजल्ट जो था हमको मिल गया, ठीक है, सिंपल सी लॉजिक थी। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे i का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, यहाँ जो है i का भी स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, और i का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1, और वो जो माइनस था और ये माइनस हमने यहाँ पे कर दिया प्लस, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने क्लियर कर लिया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ये हमारे पास गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो वही हमारे पास एक बेसिक ट्रिक है, सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है, कंजुगेट ले लेना है, ठीक है। कंजुगेट से आप क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उसको इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीके? लेकिन किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या करना, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको हमने क्या करना, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है, हमने क्या करना, दोनों तरफ कंजुगेट लेना है, कंजुगेट लेंगे तो पता है आपको, ये जो प्लस था ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, ठीक है, ये जो प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी जो प्लस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए प्लस ए माइनस आई बी, और नीचे क्या मिल गया आपको, यहाँ मिल गया आपको ए माइनस आई बी, और इधर आपको मिल गया सी माइनस आई डी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपल हमारे पास गिवन था, हमने कंजुगेट ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। अब चलो मल्टीप्लाई कर लो, देखो ध्यान से, ये ए प्लस बी मान लो, इसको इसको मान लो ए माइनस बी,
ठीक है, आपको पता है रूल, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो गया x स्क्वायर माइनस आई वाई का हो गया होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये तो रूट का रूट ही रहेगा, ठीक है, ये a प्लस बी मान लो इसको, इसको a माइनस बी मान लो, यानी क्लियरली है a स्क्वायर मिलेगा आपको और माइनस क्या मिलेगा, b स्क्वायर। यहां भी देखो आप a प्लस बी इसको मान लो, इसको a माइनस बी मान लो, यानी क्लियरली यहां भी आपको क्या मिलेगा, c स्क्वायर माइनस आई माइनस डी का होल स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्लियर। अब देखो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, तो वो माइनस माइनस यहां पर क्या हो गया प्लस, यानी x स्क्वायर प्लस क्या मिल गया आपको, y स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी देखो यहां पे वही कॉन्सेप्ट से, तो यहां भी क्या मिल गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, नीचे में क्या मिल गया आपको, सी स्क्वायर प्लस क्या मिल गया आपको, डी स्क्वायर मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि आई आई है यहां पे, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, और माइनस वन क्या हो गया प्लस, यहां तक क्लियर कर लिया हमने। लेकिन हमने लाना क्या है, हमने लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ऑब्वियस है कि हमने यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, यानी हमने यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, यानी ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इधर स्क्वायर आपको मिल गया, इधर से रूट तुम रिमूव हो गया, तो क्या मिल गया हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या मिल गया हमको, सी स्क्वायर प्लस क्या मिल गया, डी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये हमको रिजल्ट जो है हमको मिल गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सिंपली क्या कर लेना है, कंजुगेट कैलकुलेट कर लेना है, एंड सिंपली आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, देन यू गेट योर आंसर। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो फोर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो हमने क्वेश्चन नंबर वन को स्किप कर दिया है, क्वेश्चन नंबर वन में एकदम इजी है, बोल सकते हो वहां पे करना कुछ नहीं, आपने कंजुगेट ले लेना है, ठीक है। थोड़ा हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को जो हमने स्किप करा हुआ है इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है हमारे पास, कि हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस आई वाई इजकल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी हमारे पास अवेलेबल है, एंड वी हैव टू प्रूफ x माइनस आई वाई इजकल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी। तो कुछ नहीं करना आपने, कंजुगेट ले लिया दोनों तरफ आपने, इस क्वेश्चन का आपने क्या करना, कंजुगेट ले लेना है। तो कंजुगेट लोगे तो सिंपली क्या आ गया, जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली आपका ये रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पे कंजुगेट केवल आपने ले लेना है, ठीक है। चलिए हमने क्या करा, एक दो तीन क्वेश्चंस कर लिया, हम लोग क्या करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर फोर क्या कर बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर पे आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक है, आपने कंजुगेट की प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास ए प्लस आई बी है, ठीक है, a प्लस आई बी इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास x प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड यू हैव टू प्रूफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो वही लॉजिक है, इसको आप क्या करो, इक्वेशन वन कंसिडर कर लो, ठीक है, एंड सिंपल सी ट्रिक है, कंजुगेट लो दोनों तरफ, यानी ऑन टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, ठीक है, ऑन टेकिंग कंजुगेट, कंजुगेट लो, या इसको कंजुगेटिंग बोथ साइड ही बोल सकते हैं, ठीक है, ऑन टेकिंग कंजुगेट, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ लेना पड़ेगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑन टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड। चलो कंजुगेट ले लो आप, तो प्लस था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस था ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, सिंपल कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर लेकिन कुछ नहीं है, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, 2x square plus 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रख देंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि कंजुगेट किसका होता है, कंजुगेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, ये समझिएगा ध्यान से, कंजुगेट जो होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, हमको इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन टू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, थीके? और वही बेसिक रूल जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, वन इन टू क्या कर देना है, टू मल्टीप्लाई कर दो आप। अब देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मेट सिंपल सा है, ए स्क्वायर ये मिल गया आपको माइनस बी स्क्वायर, ये देखो आप ए माइनस बी, और यहां पे हमारे पास ए प्लस बी, यानी ऑब्वियस है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, यानी हो गया आई का स्क्वायर, और ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको ही मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको इसको सिंपली जब इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन ये आपको दो बार मिल गया ना, तो दैट इज वाई हमने इसका स्क्वायर कर देना है। अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी यहां पे आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस आपको मिल गया बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ये माइनस माइनस यहां पे हो गया प्लस, यहां मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन का
होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो था आपका यानी जो डेनोमिनेटर में था इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो क्या आपको रिजल्ट मिला, ये आपको जो रिजल्ट लाना था आपको मिल गया रिजल्ट, सिंपल सी लॉजिक है। तो आपने बस दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, वो कौन कौन सी बात है कि आपने दोनों तरफ कंजुगेट लेना है और आपने क्या करना है, इस सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ए प्लस आई बी इनटू ए माइनस आई बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस आपने दो बातों का ख्याल रखना है, ठीक है, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हमने क्या करा, चार क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, और चार क्वेश्चंस अवेलेबल है यानी 5, 6, 7, 8, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इन चारों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसीजर है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों तरफ कंजुगेट लेना है एंड सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको जो हमारा रिजल्ट जो भी हमको लाना है वो हमको मिलना ही मिलना है, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप ध्यान से, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये गिवन है, तो हमने क्या करना है कंजुगेट लेना है, ठीक है। ऑन टेकिंग कंजुगेट हमने क्या करना है, कंजुगेट लेना है। तो लॉजिक सिंपल सा है, प्लस है तो किसमें कन्वर्ट कर देना है, माइनस में, ठीक है। प्लस है तो हमने क्या कर देना है, माइनस में कन्वर्ट कर देना। तो ये हो गया हमारे पास एम माइनस आई एन, ठीक है। अच्छा वो देखो अब ध्यान से, इधर हमारे पास ये माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, यानी इधर हो गया हमारे पास एक्स प्लस आई वाई और नीचे में क्या आ गया आपके पास एक्स माइनस आई वाई। इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है, जहां प्लस है वहां माइनस है और जहां माइनस है वहां पे क्या मिल गया आपको, प्लस, ठीक है। चलो अब दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी 1 को और 2 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 1 को और 2 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा 1, ठीक है। अब देखो इसको मान लो a माइनस बी और इसको आप मान लो a प्लस बी, ठीक है, यानी ऑब्वियस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तुमको ये रिजल्ट मिलेगा, क्यों मिलेगा, 1 × 1 ये मिल गया 1। अब a माइनस b और इधर हो गया हमारे पास a प्लस b, तो अभी हमने सीखा कि a माइनस बी और a प्लस बी का लॉजिक सिंपल सा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे i है, b में आपको क्या छुपा हुआ, i, और यहाँ भी क्या आपका i, यानी i i क्या हो गया i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, दैट इज व्हाई ये प्लस हो गया। फिर देखो आप यहाँ पे a प्लस b इसको मानो, इसको आप मानो a माइनस b, सिंपल सी लॉजिक क्या मिल गया आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे क्या आपका a प्लस बी, उसी कॉन्सेप्ट से देखो आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया यहाँ, यानी यहाँ पे आपको क्या मिला 1। अब अपने क्या करना है, क्रॉस कर देना है, क्रॉस करोगे देन यू गेट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंपल सी लॉजिक है। देखो अब ध्यान से हमको रिजल्ट मिल गया, दैट इज हमको क्या मिला एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिला 1। देखो फिर से रिपीट करते, हमने इस बात का बस ध्यान रखना है ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, इसको आप b कंसीडर कर लो, इसको माइनस b, यानी a प्लस b और a माइनस b, यानी सिंपल a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो माइनस 1 होती है, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमने बस ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है। एक बार क्या करना, आपने कंजुगेट ले लेना है एंड आफ्टर टेकिंग कंजुगेट आपने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों इक्वेशंस को, अपने मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, आप अगले क्वेश्चन पे देखो ध्यान से, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये a प्लस आई बी, ठीक है, c प्लस आई डी, e प्लस आई बी, आई एफ सॉरी, फिर g प्लस आई एच इक्वल टू दिया हुआ a प्लस आई बी, और हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो करना क्या, सिंपल सी लॉजिक है, इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने कंजुगेट लेना है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। चलो कंजुगेट लो, ठीक है, यानी ऑन टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड हमने क्या करना है, कंजुगेट लेना है। तो आपको पता है कंजुगेट कैसे लेते हैं, प्लस में है तो माइनस, माइनस माइनस से सब में कन्वर्ट हो जाना ही होना है। चलो आप कर लो, हमको क्या मिल जाएगा, ए माइनस आई बी मिलेगा, फिर हमको क्या मिलेगा, सी माइनस आई डी मिलेगा, फिर हमको क्या मिलेगा, e माइनस आई एफ मिलेगा, फिर हमको क्या मिलेगा, g माइनस, देखो ध्यान से, g माइनस क्या मिलेगा, आई एच मिलेगा, ठीक है। अच्छा इधर का अब जब इसको कंजुगेट करोगे देन आपको जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, इधर हमको ये मिल गया। इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेना है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा फिर हमने क्या करना है, दोनों को जैसे हम लोग कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है, तो ऑब्वियस जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे यानी a माइनस ib को और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिलना ही मिलना आपको, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, सिमिलरली इसको आप और उसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला पोर्शन यानी आरएचएस का पोर्शन, इसको और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस आपने बी स्क्वायर, मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, हमने बस दो बातों को ध्यान रखना है, एक हमने क्या करना है कंजुगेट कर लेना है, और कंजुगेट करने के बाद ठीक है कंजुगेट करने के बाद हमने क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है देन वी गेट जो भी हमको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर हमने यहां पे 8 भी लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग इसी पे क्लियर कर लेते हैं। तो इसको हमने क्या करना है इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। अच्छा फिर वापस हमने वही रूल फॉलो करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है। तो जब कॉन्जुगेट लोगे आप तो आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ठीक है, प्लस जो है आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका आप कॉन्जुगेट करोगे तो ए माइनस आई बी हो गया, ठीक है। जब इसका आप कॉन्जुगेट करोगे देन यू गेट क्या मिलेगा आपको, सी माइनस आई डी, ठीक है। अच्छा क्लियर है यहां तक, फिर जब इसका आप कंजुगेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस आई वाई, इसको आप 2 मान लो, फिर क्या करना आपने सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, टाइम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिल गया आपको, वाई स्क्वायर मिल गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 भी कवर कर लिया, ठीक है। अब हम हमारे पास क्या केवल एक क्वेश्चन बचा, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप ध्यान से देखो, वही रूल करना, हमने क्या करना है कंजुगेट लेना है, दोनों तरफ क्या करना है कंजुगेट लेना है। चलो तो जब इसका आप कंजुगेट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस आई वाई मिलेगा, ठीक है। जब ये माइनस प्लस था तो जब उसका कंजुगेट करोगे तब क्या मिलेगा, ए माइनस आई भी मिलेगा। जब इसका आप कंजुगेट करोगे तो माइनस था तो क्या मिल गया आपको, ये प्लस मिल गया। इसको आप क्या करो, इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, फिर सिंपल सी रूल है दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। फिर से वही रूल, तो जब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। फिर देखो ये इसको और इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1, ठीक है। तो हमने क्या करा, जितने भी क्वेश्चंस करे हमने, जितने भी 8 क्वेश्चंस करे, सबका एक ही, सबका दो बेसिक लॉजिक था, एक हमने क्या करा कॉन्जुगेट कर लिया, हमने कंजुगेट कर लिया, और दूसरा कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करते हैं कि ए प्लस आई बी को और हमने ए माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करा था, देन वी गेट हमको मिला था, क्या मिला था, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर मिला था, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये हो गया हमारा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब सिंपल सा है, इसके जगह पे आप डायरेक्टली ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा आज के क्लास में सिंपल बेसिक क्वेश्चंस करे जो कंजुगेट पर बेस्ड है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।